बात करते हैं सैमसंग की, तो सैमसंग अगस्त में अपने गैलेक्सी नोट 20 सीरीज़, जो कि उनकी फ्लैगशिप सीरीज़ है, वो लॉन्च करने वाला है, जिसके अंदर सैमसंग के दो फ़ोन्स आएंगे, एक तो नोट 20 और दूसरा होगा नोट 20 अल्ट्रा। नोट 20 में आपको 60 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और नोट 20 अल्ट्रा में 2K क्वाड HD 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलेगी। और अगर हम बात करें सैमसंग के ही दूसरे फ़ोन की, तो सैमसंग सितंबर में अपना गैलेक्सी फोल्ड का सेकेंड जनरेशन भी लॉन्च करेगा और बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं सैमसंग के तीसरे फ़ोन की, तो सैमसंग का तीसरा फ़ोन है सैमसंग S20 लाइट। जिन लोगों को भी सैमसंग के फ्लैक्सी फ़ोन्स थोड़े कम प्राइस में चाहिए, उनके लिए बेस्ट होगा। और इस फ़ोन का प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 865 होगा, इसलिए बहुत लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं और इसकी प्राइस 60,000 से स्टार्ट हो सकती है। रियलमी के स्मार्टफोन्स की, जो अगस्त के महीने में लॉन्च होंगे, तो उनका पहला स्मार्टफोन है रियलमी C15, जो कि रियलमी C11 का सक्सेसर होगा। इस फ़ोन में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलेगी और इसके रियर में 13 MP का क्वाड कैमरा सेटअप होगा 8 MP के अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ, और इसमें G35 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और अब हम बात करते हैं रियलमी के दूसरे 5G फ़ोन की, तो वो है रियलमी V5 5G। ये फ़ोन डायमेंसिटी 720 चिपसेट के साथ आएगा और इसके भी रियर में 48 MP क्वाड कैमरा सेटअप होगा। और अगस्त के महीने में हमें रियलमी X3 प्रो, रियलमी 7 और रियलमी 7 प्रो के भी लीक्स देखने को मिल सकेंगे। और कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि रियलमी 7 भी मीडियाटेक डायमेंसिटी 5G प्रोसेसर के साथ आएगा और लोग इसका भी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं हम रेडमी के स्मार्टफोन्स की, तो रेडमी की 9 सीरीज़ भी अगस्त में लॉन्च होगी, जिसमें तीन फ़ोन्स आएंगे, एक तो होगा रेडमी 9, दूसरा होगा रेडमी 9A और तीसरा होगा रेडमी 9C। जो रेडमी 9C होगा, वो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वो पोको ब्रांड के अंदर लॉन्च होगा। और जो कि रेडमी के 30 फ़ोन है, वो भी चाइना में बहुत पहले लॉन्च हो चुका है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वो स्मार्टफोन भी इंडिया में लॉन्च होगा अगस्त में। और अब हम बात करते हैं रेडमी नोट 10 सीरीज़ की, तो ये फ़ोन्स भी लीक होना स्टार्ट हो चुके हैं और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये फ़ोन 5G प्रोसेसर के साथ आएंगे। और अगर आपको रेडमी नोट 10 सीरीज़ की वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको सबसे पहले वीडियो ला कर देंगे इन फ़ोन्स की। तो मोटोरोला के तरफ से आपको तीन स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, जो कि अगस्त के महीने में लॉन्च होंगे, जिनमें पहला है मोटो G5G। ये स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन है, जो कि स्नैपड्रैगन 765G और क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा। और अगर हम मोटोरोला के दूसरे फ़ोन की बात करें, तो वो होगा इनका E7 स्मार्टफोन, जो कि बजट कस्टमर्स के लिए होगा, जो कि 8-10 हज़ार की प्राइस रेंज में फ़ोन खरीदना चाहते हैं। और इसके तीसरे फ़ोन की बात करें, तो इनका तीसरा फ़ोन होगा मोटोरोला G90 प्ले। तरफ से भी आसू जेनफोन 7 स्मार्टफोन देखने को मिलेगा अगस्त के महीने में, जो कि स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ आएगा, जो कि एक 5G प्रोसेसर है और ये फ़ोन वन प्लस के फ़ोन से कम्पीट करेगा। और अगर हम बात करें लेनोवो के फ़ोन की, तो लेनोवो का लेजाइन गेमिंग फ़ोन, जो कि चाइना में लॉन्च हुआ था स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर के साथ, ये भी इंडिया में लॉन्च हो सकता है अगस्त के महीने में। और जहां तक बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस 40,000 से स्टार्ट होकर 50,000 या 60,000 तक जाएगी। उससे ओप्पो एफ सीरीज़ का एक स्मार्टफोन अगस्त में देखने को मिलेगा। और जहाँ तक हम बात करें वीवो की, तो वीवो की तरफ से अगस्त में कोई ख़ास फ़ोन लॉन्च नहीं होगा और इनकी वाई सीरीज़ का एक या दो स्मार्टफोन लॉन्च होगा, जो कि बजट कस्टमर्स के लिए अच्छा ऑप्शन होगा, जो ऑफलाइन मार्केट से फ़ोन बाय करना पसंद करते हैं। और अब हम बाय करते हैं इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स की, तो आपको पता ही होगा कि इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन 10,000 की प्राइस रेंज में अच्छा पैकेज प्रोवाइड करते हैं बजट कस्टमर्स के लिए। तो इन्फिनिक्स की तरफ से उनकी नोट 7 सीरीज़ देखने को मिलेगी अगस्त में, और ये सीरीज़ पहले ही बहुत देशों में लॉन्च हो चुकी है, पर किसी वजह से ये डिले हो गई थी। और इनका एक दूसरा स्मार्टफोन भी लॉन्च होगा अगस्त के महीने में, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 प्लस।
अगर आप चाइनीज़ स्मार्टफोन नहीं लेना चाहते हैं तो आप नोकिया के स्मार्टफोन्स का वेट कर सकते हैं जो कि अगस्त में लॉन्च होंगे। और अगस्त में नोकिया के 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे जो कि होंगे नोकिया 6.3, 7.3 और 9.3, जिनमें से 9.3 फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन होगा और जो 6.3 और 7.3 होंगे वो मिड रेंज स्मार्टफोन्स होंगे। बस ये फ़ोन्स अच्छे प्राइस में इंडिया में लॉन्च होने चाहिए ताकि बाकी लोग भी इसे प्रीफर कर सकें।